I mean, the images are absolutely, I mean, appalling. I believe a conference will be able to make conscience of people work. The Secretary General, on his own accord, is here ready and willing to help. So I think it speaks to the compassion of the Secretary General of the United Nations and his leadership, that he has owned our crisis that is not only a Pakistani crisis, but is a global crisis. सैलाब से होने वाली तबाही बहुत ज्यादा है. जनरल सेक्रेटरी अक्वामे मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस ने सैलाब मुतासरीन के लिए आलमी इमदाद नाकाफी करार दे दी. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मौसमियाती तब्दीली मुस्तकबिल नहीं आज का खतरा है. दुनिया ने इस मसले को पसे पुश्त डाल रखा है. पाकिस्तान में सैलाब से तबाही पर अफसोस है. सैलाब मुतासरीन के लिए दुनिया भर से इमदाद की ज़रूरत है. एक सवाल पर अंतोनियो गुतेरेस ने कहा, मसला कश्मीर के हल के लिए वो हमेशा सालिस का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत इस पर रजामंद नहीं. वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने कहा, सैलाब मुतासरीन को भूख और बीमारियों का खतरा है. तबाहकुन सैलाब से 3 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासर, जबकि बच्चों और खातीन समेत 1300 से ज्यादा जान बहक हुए. पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस का सामना. पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर ममालिक में शामिल है. आलमी बरादरी से मिलकर भरपूर तआवुन करूंगा. सेक्रेटरी जनरल अक़वामे मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस की इस्लामाबाद में फ्लड रिस्पॉन्स सेंटर में गुफ्तगू. कहा, मौसमियाती तब्दीलियों के पाकिस्तान पर बदतरीन असरात मुरतब हुए. हालिया सैलाब की तबाहकारियों से निमटने के लिए आलमी बरादरी से पाकिस्तान के लिए इमदाद की अपील. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान से इजहार यकजहती करने पर सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया अदा किया. कहा, एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान के लिए पाकिस्तानी बनकर बात की. मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को आलमी इमदाद की जरूरत है. एनडीएम में हुकाम की सैलाब से होने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग. वफाकी वजीर अहसन इकबाल ने कहा कि हालिया सैलाब 2010 में आने वाले सैलाब से कई गुना ज्यादा तबाहकुन साबित हुआ. बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर टूट फूट गया. लोगों के घर और माल मवेशी खत्म हो गए. पंचर झील के मूज और रेलों ने मजीद 3 UCs को डुबो दिया. सैलाबी दबाव को कम करने के लिए एक और LC बंद को कट लगा दिया गया. डिप्टी कमिश्नर जामशोरों के मुताबिक शगाब से मंचर झील के सैलाबी रेले का दबाव कम होगा. उधर बदीद में पुरान नदी MMD ड्रेन पर शगाब को बंद न किया जा सका. मुतासरीन का आज मलकानी में धरने का ऐलान. पुरान नदी शगाफ और सखर बैराज की नहरी टेल के इलाकों में पानी तेजी से तबाही मचाता हुआ पंगरियों की जानब बढ़ रहा है. उधर कंदकोट में सिंध हुकूमत की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए टेंट सिटी कायम कर दिया गया. सैलाब से झटू शहर बुरी तरह मुतासर. नवाही कस्बे भी पानी की लपेट में. गोट बूटा कंबों में 16 खानदान महसूर. आने जाने के लिए कोई कश्ती नहीं. महसूर अफराद कई किलोमीटर तक पानी में चलने पर मजबूर. दूसरी जानब उमरकोट के करीब बचाव बंद के मकाम पर पानी का शदीद दबाव. किसी भी वक्त शगाफ पड़ने का खदशा. बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों के बाद जा बजा तबाही के मनाजिर. किला अब्दुल्ला में बड़ी तादाद में मकानात मुनहदिम. बागात और फसलें तबाह हो जाने से ज़मींदारों के करोड़ों रुपये मिट्टी हो गए. हुकूमत की जानिब से नुकसानात के इजाले के लिए कोई ताहाल इकदाम नहीं उठाया गया. कोहलू में राबता सड़कें तबाह होने से अशाए खुर्दोनोश की किल्लत. ज़िला दुखी में हैज़ा फैल गया. 2 बच्चियाँ जा बहक. 1500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट. जिला भर में कोई इमदादी कैंप नहीं. अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत. अहले सवात और सयाहों के लिए खुशखबरी. तबाहशुदा कालाम बहरैन सड़क को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया. कालाम सड़क खोलने के बाद सब्जियों की गाड़ियां मुल्क के दीगर शहरों के लिए रवाना. कालाम बहरैन सड़क खोलने से अवाम में खुशी की लहर. पाक फौज जिंदाबाद के नारे. पाक फौज और FWO ने सिर्फ 7 दिन में 35 किलोमीटर सड़क बहाल कर दी.
कराची वालों के लिए बिजली सस्ती। नेप्रा ने किए इलेक्ट्रो के महाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 12 पैसे फी यूनिट कमी की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमी सिर्फ जुलाई के लिए होगी। कमी का इतला के इलेक्ट्रो के तमाम सार्फिन मासवाए लाइफ लाइन सार्फिन पर होगा। लापता अफराद बाजियाबी केस वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्ला ने शहबाज शरीफ से मुकालमा करते हुए कहा, आप मुल्क के मुंतखब नुमाइंदे और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। अदालत ने आपको इसलिए तकलीफ दी क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है। ये मामला कई बार वफाकी हुकूमत को भेजा लेकिन वो जवाब नहीं आया जो आना चाहिए था। जबरी गुमशुदगियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बादी नज़र में अदालत का मानना है कि जबरी गुमशुदगियाँ आइन को तोड़ना है। इस अदालत के सामने इससे बड़ा कोई इशू नहीं। आपने इस मामले पर कमेटी बनाई लेकिन यह मामला कमेटी का नहीं, यह अदालत इस मामले पर एक फैसला देना चाहती है। अदालत यकीनी बनाएगी सिफल सुप्रीमेसी मुकम्मल तौर पर अमल दरामद हो या तो बता दिया जाए। आइन बहाल नहीं है। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद केसेस पर इकदाम के लिए 2 माह का वक्त दे दिया। समाअत 14 नवंबर तक मुलतवी। लापता अफराद का मामला हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। यकीन दिलाता हूँ लापता अफराद को अहले खाना से मिलवाऊंगा। ये तो नहीं कहता सारे लापता अफराद बासियाब होंगे लेकिन कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अदालत में रोस्ट्रम पर बयान। बोले, चीफ जस्टिस साहब ये मेरी जिम्मेदारी है। आजकल सैलाब शुदा इलाकों का दौरा कर रहा हूँ, किसी उजर के पीछे नहीं छुपूंगा। लापता अफराद के लवाहिकीन और छोटे बच्चे से मिला, मेरी जिम्मेदारी है कि इस बच्चे के बाप को ढूंढूं। लापता अफराद की कमेटी 6 मीटिंग्स कर चुकी, 2 हफ्ते बाद कमेटी की परफॉर्मेंस देखूंगा। बरतानवी शाही तारीख का तवील बाब बंद। मलिका है बरतानिया एलिजाबेथ दोम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई। चंद माह से अलील और सरकारी मसरूफियात से मुकम्मल तौर पर अलग हो गई थी। इन दिनों स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में रहायश पजीर थी। इंतकाल भी वहीं हुआ। कुछ रोज पहले बरतानिया की नौमंतखब वज़ीर आज़म लिस्ट्रेस से उनसे मुलाकात की थी। मलिका एलिजाबेथ ने 70 साल तक बरतानिया पर हुकूमत की। मलिका की आखिरी रसूमात 10 रोज बाद वेस्ट मिंस्टर एबे पर अदा की जाएंगी। तदफीन किंग जॉर्ज शशम मेमोरियल चैपल विंडसर में होगी। आखिरी रसूमात के दिन कौमी तातील होगी। बरतानिया में 10 रोजा शोक का ऐलान। यूनियन जैक सरनगुं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं का इजहार ताज़ियत। चार्ल्स बरतानिया के नए बादशाह बन गए। बकिंगम पैलेस से बरतानिया के नए बादशाह चार्ल्स का बयान जारी। कहा, मलिका की मौत मेरे और ख़ानदान भर के लिए गहरे सदमे का मौका है। मलिका की कमी बरतानिया दौलत मुश्तरका और दुनिया भर के लातादाद लोगों को महसूस होगी। किंग चार्ल्स आज कौम से खिताब करेंगे।